इज अविति एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे घर में शादी है, शादी से पहले ऑब्वियसली बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, तो अभी मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मार्केट जा रहे हैं और थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह भी करने वाले हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन स्ट्रीट शॉपिंग देन प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच योर लाइन। थैंक यू। हम आईने बना लेंगे पागल हो गए। मम्मी हर वीडियो में सेम बात बोलती है, पता है। तो अब चलते हैं हम सिटी। फिलहाल हम लोग रहते हैं दीनदयाल नगर मकरूनिया में और हम लोग जा रहे हैं सारी शॉपिंग करने के लिए सिटी। बीच बीच में छोटी छोटी जगह क्या कैसा फेमस है वो सब भी बताने वाले मैं आपको। ये होटल पैराडाइज था, यहीं से कपिल की शादी होने वाली है। इसके बाद ये मकरूनिया चौराहे पर ये बहुत फेमस एक मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का है जहाँ पे ये सारे टेलर वगैरह बैठते हैं। तो अगर आपको कुछ भी काम है यू कैन कम हियर। ये मतलब सिटी तक जाने की ज़रूरत नहीं है उस काम के लिए। अब सिटी जाने से पहले बीच में तो पहले सिविल लाइन आता है। सिविल लाइन जब जाते हैं रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरा आर्मी कैंप है दोनों साइड पे, मंदिर है, मस्जिद है। ये कठुआ पुल मंदिर है और कठुआ पुल ऑब्वियसली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लकड़ी के पुल पर बना हुआ है पूरा मंदिर इसलिए। फिलहाल ये अभी हम सिविल लाइन एरिया में पहुँच गए हैं। ये मेरे शहर का काफ़ी पॉश एरिया कहलाता है और आगे चल के हम पीली कोठी एरिया में पहुँच गए हैं। पीली कोठी बोलते इस एरिया क्योंकि यहाँ पे पीली कोठी ये मस्जिद है और यहाँ पर इसके सामने में ऑपोजिट में ही दादा दरबार मंदिर भी है, हनुमान जी का बहुत बड़ा सा मंदिर है। अब ये इधर से पीली कोठी से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं ये डिग्री कॉलेज वाले रास्ते पे। यहाँ पे ये इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग किया है खजुराहो का, ओरछा का, ये सारा एमपी का पूरा हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, इसलिए मैं सोचा थोड़ा इसको भी कवर करना चाहिए फुटेज में। अब इसके बाद यहाँ से डिग्री कॉलेज के बाद ये हम पीली साइड वाले एरिया में आ गए। यहाँ पे बहुत फेमस का मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हर शहर में कोई सरकारी हॉस्पिटल रहता तो वही। और फिर ये आज़ाद लेडीज़ टेलर डाल रहे हैं, एक ये स्कर्ट को फिटिंग कराना था बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास टाइम नहीं है। तो अभी हम मुस्कान टेलर्स पे जाएंगे, विश कि उनके पास टाइम हो। ये मुस्कान टेलर से ये सारा सब जो है ये सारा पीली कोठी ये परकोटा एरिया कहलाता, सॉरी ये पूरा एरिया परकोटा कहलाता है। यहाँ पे आज टेलर्स और ये सब मिल जाता है इजीली और काफ़ी मतलब अच्छा काम करके देते हैं ये। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली भैया ने हाँ कर दिया सिलने के, इसके फिटिंग करने के लिए, और वो हाल के हाल करके भी दे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो एक काम हो गया, अभी हम लोग चलते हैं बाकी के काम करने के लिए। अब हम फाइनली सिटी पहुंचने वाले हैं। तो ये सिटी में ये बहुत बड़ी सी मस्जिद है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी शॉप्स हैं चारों तरफ में, मतलब जूते की, बर्तन की, खाने पीने की भी बहुत सारी शॉप्स हैं। फिलहाल हम लोग ये मेहंदी की कोन वगैरह ख़रीदनी है मेहंदी फंक्शन के लिए, तो ये बिल्लैया जी की शॉप पर आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा फेमस है, हींग तो खास करके बहुत ही फेमस है इनकी। बाकी ये आंवला रीठा और ये सब भी यहाँ पे मिलता है अच्छे, मतलब अच्छा प्योर मिलता है, सबसे अच्छी बात ये है। फिर थोड़ी कुछ मिठाई वगैरह लेनी थी तो ये भैया के यहाँ से मिठाई ले ली और वो थोड़ी कैमरा कॉन्शियस थे इसलिए कैमरा बंद कर दिया। ये मेरी बहन का हर जगह शुरू है पहले। अभी इसके बाद हम लोग बैग सुधरने के लिए और जूता चप्पल सुधरने के लिए डाल देते हैं। फिर मीनवाइल थोड़ा पार्लर जाके ये आईब्रो वगैरह बनवा के आना है तो वो वाला काम हो जाएगा। इतने में ये भैया बैग सुधार देंगे, जूते वाले भैया जूते सुधार देंगे। अब हम लोग जा रहे हैं अपना मेकओवर कराने। मेकओवर मतलब अपन लिप कराने के लिए। और ये हम लोग पहुंच गए आम्रपाली ब्यूटी पार्लर, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ है, बहुत पुराना और बहुत फेमस पार्लर है यहाँ का। अभी हम लोग ये निगम मार्केट में जा रहे हैं, चूड़ी बिंदी ये सब कुछ खरीदना है। इसके लिए निगम मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है, थोक के भाव में मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। ऐसे हम लोग को ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं है, मुझे बेसिकली मेटल की चूड़ियाँ लेनी है और हमेशा हम लोग ये शगुन फैंसी स्टोर जो है ना, हम लोग हमेशा ही यहाँ से खरीदते, अभी भी यहीं से ख़रीदेंगे। बहुत सारे कलर की, बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। मन तो करता है पता नहीं कितना कुछ ले लो, खुद के लिए भी, मम्मी के लिए भी, बट ठीक है जितनी ज़रूरत है उतना ही लेने से अच्छा है।
एक ब्लैक, एक सिल्वर, एक गोल्डन, एक ग्रे और एक पिंक, ये जो पांच कलर लिए हैं हमने, डब्बे में चार ही बन रहे हैं जिसमें चार ही दिख रहे हैं, बाकी टोटल पांच कलर लिए हमने। यहाँ पे निगम मार्केट में एक बहुत फेमस ये पानीपुरी की शॉप है और हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, मतलब हमें पानीपुरी खाने के लिए तो जाना ही जाना है, डेफिनेटली यहाँ पर जाना है। और तो बस यहाँ पे यहाँ से खाते हैं पानीपुरी, वही नए चाट सेंटर नाम है भैया की शॉप का, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू निगम मार्केट आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ ट्राई वंस एटलीस्ट। विनय का वी हट गया है, अभी बनाए दिख रहा है, बट उसका नाम विनय चाट सेंटर है, अंकल जी के बेटे का नाम है विनय, मुझे ऐसा लगता है। बढ़िया हरी चटनी है, अपनी दाल के टेस्टी। ये डॉक्टर सर हरि सिंह और हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है इन्हीं के नाम की, इनके बारे में तो ना भी बोलो कमी पड़ जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं किला कोटी, किला कोटी में चूड़ी बिंदी ये सब का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट किला कोटी में भी है, तो अभी हम लोग वहाँ पे भी देखने जा रहे हैं कितना क्या प्राइस है, कैसा क्या सिस्टम है वहाँ का। और हानिगा मार्केट से जो चूड़ियाँ ली हैं वो 30 रुपीज़ दर्जन में मिली है वहाँ पे। काफ़ी रिजनेबल प्राइस लगता है मुझे। बाकी अंकल जी के पास बहुत सारे सेट है, कंगन के ये इयर रिंग्स, मांग टीका, नथ, मतलब पर्स, क्या नहीं मिलेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा और बहुत अच्छे प्राइस पर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अभी अंकल ये नथ दिखा रहे हैं, इसका प्राइस है 45 रुपीज़, ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है ये। ये फर्स्ट शॉप ही है जो आप किला कोटी के लिए टर्न लेते हो, यहाँ पे लाल दुकान के पास पहुँचने के बाद जब आप किला कोटी के लिए टर्न लेते हो ना, तो फर्स्ट शॉप है अंकल जी की, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा सब ये सब सामान खरीदना काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे, तो गो फॉर इट। ये सब डिस्कशन ये सब अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा आइटम अवेलेबल है, इनका प्राइस भी कुछ 200-250, 300-350, मतलब 250 से 350 की रेंज में है ये सारे सेट जो दिख रहे हैं उनका प्राइस। और बाकी चोकर, सिंगल मांग टीका अगर लेना तो वो भी अवेलेबल है 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ की रेंज में। फिर बाकी यहाँ पे इयर रिंग्स है वही 50 से 250 तक की रेंज में। अभी देखो ये इतना सुंदर कड़ा दिखाया ना अंकल ने, ये कंगन का प्राइस है 100 रुपीज़ एक पेयर, ठीक है, मतलब सिर्फ कंगन डालो बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ये अगली शॉप है, यहाँ से हम लोग मेनली ये हेयर क्लिप वगैरह ये सब लिया था लास्ट टाइम, फ़िलहाल अवेलेबल है नहीं भैया के पास जैसा चाहिए था हेयर क्लिप, कोई बात नहीं। फिर ये नेक्स्ट हम लोग चूड़ी शॉप पर आ गए, मम्मी को बहुत सारी जगह देने के लिए चूड़ियाँ वगैरह चाहिए रहती हैं, तो फिर हम लोग हमेशा क्या करते हैं जब भी सिटी आते किला कोटी आके इकट्ठे 10 डब्बे या 20 डब्बे ऐसे लेके चले जाते हैं, तो वो मतलब अभी जिसको भी देना देते रहो क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भैया ने ये जो चूड़ियाँ दी हैं ये 17 रुपीज़ दर्जन के हिसाब से दी हैं, ठीक है, एक डब्बा 17 रुपीज़ का है, लेकिन ये आप बाहर से लोगे तो ये आपको 25-30 रुपीज़ से कम में नहीं मिलेगा। अभी कुछ इयर रिंग्स वगैरह भी ऐसे देख रहे थे क्या कैसे कितना क्या प्राइस है, भैया बोले ये सारे जो भी जितने भी यहाँ पे लगे हुए ना सुंदर सुंदर से, इन सब का प्राइस ही 50 रुपीज़ पर पीस है, अच्छा है काफ़ी। अब विंटर आ रही है तो ऑब्वियसली कुछ सॉक्स वगैरह वो सब भी लेना ही था, तो ये युवराज है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, बता रहा था गेमिंग वेमिंग से रिलेटेड कुछ, छोटे छोटे बच्चे भी इतने एक्टिव हैं, 8th क्लास में हमें तो पता ही नहीं था कि ये यूट्यूब शूट्यूब भी कुछ होता है। खैर मैं बताना भूल गई, मैं जिस दिन से घर आई हुई हूँ ना उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, तो प्लीज़ मेरा जो आवाज़ या फिर जो खांसी सर्दी ये सब उसके साथ एडजस्ट कर लेना। ये गुजराती में मैंने बोला था नमकीन लेना है और स्वीट्स लेनी, स्वीट्स वहाँ से ली नमकीन, तो मतलब नमकीन लेना मतलब गुजराती नमकीन लेना है, उसके अलावा कोई और दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, बहुत टेस्टी बनाते हैं।
अभी फिलहाल रात हो गई तो अभी घर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आदि और अनुज वो लोग घर पर ही हैं तो सोच रहे हैं उनके लिए डोसा पैक करा लेते हैं। ये सत्या डोसा बहुत पुरानी शॉप है सिटी में, और मतलब सिटी आना तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं, डोसा खाना है, पानीपुरी खानी है, ग्वालियर वाले की आलू चाट खानी, आलू चाप खानी है। आज नहीं गए क्योंकि पेट भरा भरा सा लग रहा था, इसलिए कभी और जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको वहाँ का भी। ये देखो कितना स्पीड में काम चल रहा है, पैकिंग भी हो रही है, सर्व भी किया जा रहा है। बाकी अभी बस चलते हैं हम लोग। आ गए वापस। ये हमारी कॉलोनी, ये जो लड़ियाँ लगी हुई है लाइट की, ये मेरा घर है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।